नमस्कार पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि, मैं सुरेश गो ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन और नाम राशि तीनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो है आपकी जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखते हैं कि आपकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इसमें गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए पाइसिस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं उन्हें लग रहा है, वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी परेशानी और दुविधा में हैं। उस परेशानी को, उस दुविधा को अभी भी वो भूल नहीं पाए हैं और वो बार बार महसूस करते हैं कि जब भी उनके पर्सन, जब भी पाइसिस उनसे बातें करते हैं तो वो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि और अभी भी कुछ ऐसा हुआ है कि जिसे वो भुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए अभी इस जगह से वो मूव ऑन करते हुए एक ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और उनकी भावनाओं को समझा जा सके, उनको समझ सके। और फिलहाल के लिए उन्हें डिसाइड किया है कि जब तक वो इस रिश्ते में रहेंगे रुकावटें, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी, और जब तक सिचुएशन सही नहीं हो पाएगी, जब तक वो फिलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो नहीं करेंगे, तो या फिर उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, उन रिश्ते से, चाहे वो नॉन पर्सन है, अननोन पर्सन है, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, और अभी फिलहाल के लिए उन चीज़ों से मुंह मोड़ते हुए ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, और जब उन्हें सुकून और शांति मिले तो वो दोबारा से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सके, यानी कि दोबारा से इस रिश्ते में, या तो इस रिश्ते में वापस आ सकें या तो दूसरे रिश्ते में जा सकें। तो और वो ऑनलाइन भी आप पर नज़रें बनाए हुए हैं अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, वो बार बार आपके बारे में पता करते हैं कि क्या चल रहा है इस रिश्ते के बारे में। तो ऑनलाइन भी वो नज़रें बनाए हुए हैं, वो महसूस करते हैं कि बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ किया जाए ताकि ये जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, वो ख़त्म हो जाए और मिठास से, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश होना चाहिए। तो देख लेते हैं अभी अभी फिलहाल के लिए वो उन चीज़ों को बाहर करना चाहते हैं, उन लोगों को, रिश्तेदारों को, चाहे वो घर के मेंबर है या बाहर के हैं, जो इस रिश्ते में जहर घोल रहे हैं, पनौती दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस आप महसूस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ऑप्शन होते हुए भी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, भ्रम, आप महसूस कर रहे हैं कि आप एक भ्रम जाल में फंस गए हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप महसूस कर, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, रेडी तैयार करना चाहते हैं। अचानक से आप कोई भी इसमें एक्शन नहीं लेना चाहते, आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके सोच रहे हैं कि दोनों तरफ से ही इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुल कर बातें होनी चाहिए। अगर आपके पर्सन दूर रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, वो आपसे सामने से आकर या टूर ट्रैवल करके बातें नहीं कर सकते, तो आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आपसे
क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ खुलकर बातें कर लेनी चाहिए ताकि रिश्ते में कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आगे ना रहे। तो सडनली आप कोई भी इसमें एक्शन लेने नहीं, एक्शन चाहते हैं लेकिन सडनली आप कोई भी काम नहीं करना चाहते, क्योंकि आप महसूस, आपको लगता है कि जल्दबाजी में किया गया हर काम परेशानी के सिवाय कुछ नहीं दे सकता। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। पाइसिस के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। द हैंग वन, द मेडिसिन एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं, अगले 72 आवर्स में नहीं लगता कि वो कोई भी अभी एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी वो स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता रुक चुका है, नेगेटिव है, इसमें कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई हेरा फेरी उनके साथ की जा रही है। उनके पार्टनर जो हैं उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है। कुछ ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री जो उनसे छिपाया जा रहा है, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो फिर उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें पता नहीं है। तो इसलिए उनकी वो अभी उनकी यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यही उनकी दिली तमन्ना है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अभी फ़िलहाल के लिए वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि उनका नज़रिया चेंज हो और बाद में कुछ उसके बारे में वो सोच सके। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें फील हो रहा कि अभी उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और कोई कोई ऐसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई चीटिंग फ्रेब हो रहा है जो उनके पार्टनर यानी कि पाइसिस उन्हें बता नहीं रहे हैं। तो इसलिए वो अभी स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, अभी कोई वो अपनी तरफ से एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज देने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज, पाइसिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, पाइसिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में क्लियर कट को डिटैच नहीं रहेंगे, कोल्ड नहीं रहेंगे, दोनों तरफा डिसीजन लेंगे, सोच विचार करके एक एक पक्ष की बातें ना सुनते हुए दोनों पक्ष की बातें सुनेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये जो भी परेशानी, जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, तो वो रुकावटें, वो परेशानियाँ, वो दुविधाएँ ख़त्म हो सकती हैं। या फिर आपको लग रहा कि ये रिश्ता एक तरफा है, दोनों तरफ से दोनों तरफा नहीं जा सकता, तो ये डिसाइड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, कठिन हो सकता है। लेकिन आपने सोच लिया, ठान लिया कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी दुख के बादल है, परेशानी है, तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप चाहें, आपको लगता है कि ये रिश्ता एक तरफा है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चालबाजी उनके साथ हो रही है, तो एक नए रिश्ते की तरफ, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं कि अगर आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाएंगे, एक नए रिश्ते की तरफ भी जाएंगे, तो भले ही ये डिसाइड करना आपके लिए काफ़ी कठिन और हार्श हो सकता है, लेकिन अगर आप डिसाइड करेंगे कि अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है, आपको नए रिश्ते की तरफ जाना है, तो वहाँ भी आप रुझान कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको वो रिश्ता भी आपके लिए सक्सेसफुल, कामयाब हो सकता है। और अगर आप इसी रिश्ते में रुकना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, तो अपने आप को डिटैच मत रखिए, दूसरे के एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील कर लीजिए और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और ये डिसीजन आप डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए कि आपको इसी रिश्ते में वापस आना है,
तो धीरे धीरे करके जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर उस पर आप वर्कआउट करेंगे तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जो है वो ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो परेशानी, ये जो दिक्कतें हैं वो सारी ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके रिश्ता एक होगा। और अगर आपको की लाइफ में कोई नया रिश्ता, नया पर्सन आ रहा है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, उनके साथ भी अपना घर बसा सकते हैं, यानी कि रिलेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।